Hello friends, my name is M Singh and today I am going to discuss about the archaeological sources. आज हम लोग archaeological sources के बारे में discuss करेंगे. इसके पहले की videos में हमने ancient Indian sources topic के अंतर्गत literary sources के बारे में विस्तार से वर्णन किया. literary sources में चाहे religious sources हो, चाहे non-religious sources हो, चाहे scientific treaties हो, उनके बारे में हमने विस्तार से डिस्कस किया है कि अगर कोई स्टूडेंट जिसका लिटरेरी सोर्सेज छूट गया है वो हमारे चैनल सिंह एकेडमी में जा करके उनको देख सकता है और उनको पढ़ सकता है. आज हम लोग आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में वर्णन करेंगे. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्यों इंपॉर्टेंट है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना इतिहास लिखना संभव नहीं, क्योंकि लिटरेरी सोर्सेज में कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल बायसनेस है. उस बायसनेस को दूर करने के लिए हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की तरफ जाना पड़ता है. इसके अतिरिक्त लिटरेरी सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो भारत में होने वाले भिन्न भिन्न एग्जामों, चाहे UGC हो, चाहे UPSC हो, चाहे SSC हो, चाहे PCS हो, चाहे स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हो, वहाँ पर डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. हो सकता है क्वेश्चंस पूछने का नेचर अलग होता है क्योंकि SSC बहुत ही छोटे लेवल का एग्जाम है, वन डे एग्जाम है, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही ईजी पूछा जाता है, लेकिन UPSC और UGC में क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं. इसलिए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं. आज हम लोग आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को हम लगभग 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं. पहला जो है इंस्क्रिप्शन, दूसरा जो है कॉइन्स, तीसरा जो है आर्कियोलॉजिकल रिमेंस, चौथा साइंस स्कल्पचर एंड पेंटिंग, पांचवा एंशिएंट मूवमेंट्स. इन 5 आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के माध्यम से हम आर्कियोलॉजी के हिसाब से हम इतिहास को लिख सकते हैं. अब हम इन हर एक पॉइंट्स का अलग अलग विस्तार से वर्णन करेंगे और साथ ही साथ एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे कि जहाँ कहाँ कहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का यूज़ किया गया, और साथ ही साथ ये भी डिस्कस हम लोग करेंगे कौन कौन से डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में आता है. अब सबसे पहले हम लोग इंस्क्रिप्शन के ऊपर चलते हैं. इंस्क्रिप्शंस का मतलब पहले क्या होता है हम बता देते हैं. इंडिया केम टू द इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ट एंड स्टोन बाई कॉन्टेक्ट विद द पर्सियन. इंस्क्रिप्शन बना क्यों? तो सबसे पहले इंस्क्रिप्शन बनाने की परंपरा जो है भारतीयों ने पर्शियन के जब कांटेक्ट में आए, भारतीय पर्शियन के कांटेक्ट में जब आए तो उन्होंने सर्वप्रथम इंस्क्रिप्शन लिखने की परंपरा डाली. इंस्क्रिप्शन की स्टडी को कहा जाता है एपिग्राफी, यानी जो स्टडी इंस्क्रिप्शन संबंधित होती है उसे कहा जाता है एपिग्राफी. अगर हम एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि हम इंस्क्रिप्शन की एपिग्राफी किसे कहते हैं. तो द स्टडी विच इज रिलेटेड टू द इंस्क्रिप्शन, जो इंस्क्रिप्शन से संबंधित स्टडी है उसे हम लोग एपिग्राफी कहते हैं. इसके अतिरिक्त स्टडी ऑफ राइटिंग एन एंशिएंट इंस्क्रिप्शन, अगर उसी के साथ साथ एंड जो एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस पर जो राइटिंग होती है एंड रिकॉर्ड इज कॉल्ड पेलियोग्राफी. और जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं वो चाहे पत्थर के हों, वो चाहे किसी चीज़ के हों, तो वो उन इंस्क्रिप्शंस पर जो राइटिंग होती है, जो लिखा जाता है, उसे हम लोग पेलियोग्राफी के नाम से जानते हैं. इंस्क्रिप्शन होते किस किसके पर हैं? इंस्क्रिप्शन सबसे पहले रॉक्स पर हो सकता है, यानी स्टोन्स के ऊपर हो सकता है, पिलर्स के ऊपर सकता है, स्टोन्स के ऊपर सकते हैं, स्लैब्स के ऊपर सकते हैं, वॉल ऑफ बिल्डिंग्स के ऊपर हो सकता है, इसके अतिरिक्त टेम्पल के ऊपर हो सकता है, सिल्स के ऊपर हो सकता है, कॉपर प्लेट के ऊपर सकता है. तो इंस्क्रिप्शंस के लिए इन जगहों पर कोई भी तरीके का इंस्क्रिप्शन लिखाया जा सकता है. ये एक तरह की, जैसे आप देखते हैं जब कभी मंदिर जाते हैं तो मंदिरों में कुछ जगहों पर कोई ना कोई चीज़ लिखी होती है, तो यही इंस्क्रिप्शन होता है. या आप पुराने मंदिर जाएं, या आपकी साउथ इंडिया किसी मंदिर में जाएं, या तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर में जाएं, तो मंदिर पर राजा की मूर्तियाँ बनी हुई हैं. तो ये सारा का सारा एक इंस्क्रिप्शन के अंतर्गत है, उसकी स्टडी को हम लोग एपिग्राफी कहते हैं. और ये हमको मिला कैसे? जब हम लोग पर्शियन के कॉन्टेक्ट में आए तब हमको इस चीज़ की जानकारी हुई. आगे चलते हैं. एलिस्ट इंस्क्रिप्शन, अगर हम देखें सबसे पहले इंस्क्रिप्शन कहाँ मिला भारतीय प्राचीन भारतीय इतिहास, सबसे पहला इंस्क्रिप्शन जो है दैट वाज फाउंड इन हड़प्पा. सबसे पहला जो इंस्क्रिप्शन मिला वो मुझे सील के ऊपर मिला, और सील के ऊपर सबसे पहला इंस्क्रिप्शन मिला जो कि हड़प्पा पीरियड में. तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहला इंस्क्रिप्शन कहाँ से मिला, तो हम लोग ये इस पर चर्चा कर सकते हैं, कह सकते हैं कि हड़प्पा पीरियड से सबसे पहले हमें इंस्क्रिप्शन मिला. उसके अतिरिक्त इंस्क्रिप्शन लिखने का दूसरा सबसे बहुत बड़े स्तर पर जो कार्य किया वो है अशोक. अशोका के बहुत बड़े स्तर पर इंस्क्रिप्शन मिले, और अशोका के इंस्क्रिप्शन जो थे वो एक तरीके से जियो थे, गवर्नमेंट ऑर्डर थे, उनमें भिन्न भिन्न तरीके की चीज़ें दी गई थी, वो चाहे 7वां अभिलेख हो, वो चाहे पहला अभिलेख हो, वो चाहे 12वां अभिलेख हो, भिन्न भिन्न प्रकार के अभिलेखों के माध्यम से अशोक ने अपने पूरे स्टेट, अपने पूरे साम्राज्य में लोगों को समझाने का प्रयास किया कि हाँ
हमें इस तरीके से बिहेवियर करना चाहिए। अशोक का जो धम्म आता है, अशोक के ज़्यादातर जो अभिलेख हैं वो धम्म के बारे में चर्चा करते हैं। इसी तरह से अभी अशोक का एक अभिलेख है, ये कहता है कि सभी प्रजा मेरी संतान है। इसका कहने का सीधा सा तात्पर्य यह है कि अशोक वो कहता है कि जिस तरह से कोई भी पिता अपने संतान के लिए देखभाल करता है, उसी तरह से राजा जो है वो अपने प्रजा की देखभाल करेगा। तो इस तरह के अभिलेख आए हैं। तो अशोक के अभिलेख बहुत हैं, बहुत बड़ी मात्रा में हड़प्पा के बाद बहुत बड़ी मात्रा में अशोक के अभिलेख ही आए हैं। उसके अतिरिक्त कुछ ऐसे अभिलेख हैं जो हमें प्राप्त हुए हैं जहाँ से भिन्न भिन्न राजाओं के समय की जानकारी प्राप्त होती है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है नागरिका इंस्क्रिप्शन जो कि नानाघाट में स्थित है, और इसमें गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस सेक्रीफाइसेस परफॉर्म सात वाहन किंग, यानी भारत में एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में एक सात वाहन डायनेस्टी भी हुई है। उस सात वाहन डायनेस्टी का राजा का नाम है सातकर्णी फर्स्ट के बारे में जो डिटेल जानकारी मिलती है उस इंस्क्रिप्शन का नाम है नागरिका इंस्क्रिप्शन। और ये नानाघाट में है। कभी कभी क्वेश्चन जो होते हैं मैच करने के लिए आते हैं। इसमें एक तरफ जो होता है इंस्क्रिप्शन होगा, दूसरी तरफ प्लेस होगा, एक तरफ इंस्क्रिप्शन होगा दूसरी तरफ किंग का नाम होगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा गौतमी बालासारी एंड यज्ञ सातकर्णी इंस्क्रिप्शन है नासिक। दूसरा जो इंस्क्रिप्शन है ये भी सात वाहन साम्राज्य से संबंधित है, जो कि जिसमें गौतमी बालासारी और यज्ञ सातकर्णी इंस्क्रिप्शन, ये दो इंस्क्रिप्शन है जो कि नासिक से प्राप्त पाए गए हैं। इनमें गौतमीपुत्र सातकर्णी एक राजा हुआ है जो कि सातवाहन वंश का राजा था, उसके बारे में चर्चा डिटेल से बताई गई। इसके अलावा खारविल्स इंस्क्रिप्शन हाथी गुम्फा एक प्लेस है जहाँ से कलिंग के राजा खारविल का इंस्क्रिप्शन प्राप्त हुआ है, जहाँ से आप खारविल के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन एनीबडी कैन गेट द डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ द खारविल फ्रॉम द हाथी गुम्फा अभिलेख। नाउ नेक्स्ट दैट इज प्रशास्त्र पत्र प्रयाग प्रशास्त्र। दूसरा जो अभिलेख है वो है दैट इज प्रयाग प्रशास्त्र। प्रयाग प्रशास्त्र जो है हरिशेन ने लिखा है और ये जो प्रयाग प्रशास्त्र नामक अभिलेख है वो सीधा समुद्रगुप्त को डेडिकेटेड है। इसमें समुद्रगुप्त की सैनिक विजय होने के साथ साथ समुद्रगुप्त के समय की डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है। हरिशेन समुद्रगुप्त के शासनकाल का एक कोर्ट पोएट था, उसने समुद्रगुप्त की प्रशंसा में ये लिखा है। तो इसलिए ये सोर्स इतिहास लिखने के लिए महत्वपूर्ण तो है, लेकिन ये उतना महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं समुद्रगुप्त को लेकर के बायस्ड है। इसलिए इतिहास लिखने के पहले अगर कोई व्यक्ति इतिहास लिखता है और प्रयाग प्रशास्त्र का वर्णन करता है तो उसमें जो भी डिटेल दिया गया उसको हमें वेरीफाई करने की ज़रूरत है। फिलहाल ये तो रही इतिहास की बात। अगर हम क्वेश्चन की पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो क्वेश्चन ये आता है प्रयाग प्रशस्त किसने लिखा, तो जो है हरिशेन कौन था, वो समुद्रगुप्त के शासनकाल में था। अब हम लोग चलते हैं एहोल अभिलेख। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख है जो कि रवि कीर्त ने लिखा, जो कि पुलकेशन द्वितीय के शासनकाल में था और जो कि चालुक्य के शासन था, यानी चालुक्य के पुलकेशन द्वितीय के शासनकाल का कोर्ट पोएट रवि कीर्त था जिसने एहोल अभिलेख लिखा। और एहोल अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख है क्योंकि इसी अभिलेख में यह वर्णन किया गया है कि किस तरह से पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया, इसका वर्णन किया गया। सो एहोल इंस्क्रिप्शन के बारे में चर्चा की गई है जो कि चालुक्य शासक के समय की गई। नाउ उसके अतिरिक्त कुछ ये अभिलेख तो है जो कि स्टोन्स के ऊपर किए गए, कुछ अभिलेख के बारे में चर्चा करते हैं जो कि ताम्रपत्र के ऊपर, जिसमें है सोनहारा कॉपर प्लेट। यहाँ पर हमें इन्फॉर्मस अबाउट सेवरल ड्राउट्स एंड मेजर्स टेकन बाय अथॉरिटी टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ फूड शॉर्टेज, यानी सोहगारा कॉपर प्लेट पर जो अभिलेख लिखा गया है उसमें देश के अंदर विभिन्न विभिन्न ड्राउट्स यानी जो अकाल पड़े सूखे पड़े उनके बारे में चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त ये भी बताया गया है कि हाउ द अथॉरिटी हैविंग टेकन द मेजर और स्टेप टू टैकल दोस प्रॉब्लम, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। इसके आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वाइंस के ऊपर। क्वाइंस की बात हम करें, क्वाइंस भी इतिहास को जानने का बहुत बड़ा माध्यम है। विद द हेल्प ऑफ द क्वाइंस यू कैन गेट लॉट ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम डिफरेंट पीरियड। सो क्वाइंस की स्टडी की अगर हम बात करते हैं दैट इज़ नो न्यूमिस्मेटिक क्वाइंस की जो स्टडी है उसे हम लोग न्यूमिस्मेटिक के नाम से जानते हैं। और क्वाइंस से हमें जानकारी क्या प्राप्त होती है, क्वाइंस के माध्यम से हमें इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इस यंग डायनेस्टी, हर एक क्वाइंस के माध्यम से हम जिस पर्टिकुलर पीरियड में क्वाइंस को बनाया गया, उस सिक्के को बनाया गया और क्वाइंस के माध्यम से हम उस इकोनॉमिक कंडीशन को हम जान सकते हैं कैसे। इसका छोटा सा एग्जांपल हम देते हैं कि मान लीजिए किसी भी पीरियड में क्वाइंस बना और वो सोने का था, दूसरे पीरियड में भी सोने का क्वाइंस बना, लेकिन
एक पीरियड में, माल्य गुप्ता पीरियड में सोने का जो क्वाइंस बना और कुषाण पीरियड में जो सोने का क्वाइंस बना, उनकी जो धातु का जो वैल्यू था, उनके जो उनके जो वैल्यू थे क्वाइंस, द वैल्यू ऑफ द क्वाइंस, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ द गोल्ड इन बोथ द पीरियड, इफ़ यू कंपेयर द वैल्यू ऑफ गोल्ड, अगर हम दोनों के पीरियड को, गोल्ड के वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं, तो जो वैल्यू गोल्ड की गुप्ता पीरियड में थी उससे ज़्यादा कुषाण पीरियड में थी। सो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कुषाण पीरियड की जो गोल्ड की कंडीशन, कुषाण पीरियड की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, वो गुप्ता पीरियड से कहीं बेहतर थी। तो इस तरह इस माध्यम से इस तरीके से हम लोग क्वाइंस के बारे में जान इस माध्यम से हम लोग इतिहास में क्वाइंस के माध्यम से इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन की जानकारी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग इसके माध्यम से रिलीजियस आउटलुक ऑफ असिंग डायनेस्टी, हम उस पर्टिकुलर डायनेस्टी का रिलीजियस ओरिएंटेशन क्या है, यानी धार्मिक ओरिएंटेशन क्या है, इसके बारे में भी विस्तार जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी भी साम्राज्य के अंदर एक सिक्का पाया गया जिसमें देवी देवताओं की मूर्तियां, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, उस पीरियड में हिंदुज्म था या उस या भागवत धर्म था या शैव की कहीं मूर्ति है, तो हम कहते हैं उस पर्टिकुलर पीरियड के राजा शैव धर्म से संबंधित थे। इस माध्यम से हम लोग रिलीजियस आउटलुक को भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इन्फॉर्मस अबाउट एंशिएंट मेटलर्जी, इसके अलावा एक ये भी जानकारी है कि हम लोग सिक्के के माध्यम से हमारी प्राचीन मेटलर्जी कैसे थी, यानी हाउ टू मेक अ क्वाइंस, दिस सिस्टम इज कॉल्ड मेटलर्जी, मेटलर्जिकल साइंस, यानी वी विल गेट द मेटलर्जिकल साइंस इन्फॉर्मेशन, मेटलर्जिकल साइंस एट दैट पर्टिकुलर वी विल आल्सो गेट फ्रॉम देयर। नाउ किंग्स पर्सनालिटी, इसके माध्यम से हम लोग राजा की पर्सनालिटी के बारे में चर्चा कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई राजा ऐसा है जो जिसका फोटो उस सिक्के पे बना हुआ है और वो सैन्य अभियान, यानी ही वाज इन द आउटलुक ऑफ द मिलिट्री कैंपेन, सो हम लोग जान सकते हैं कि राजा बहुत ही वीर था, राजा बहुत ही प्रतापी था। इससे एग्जांपल हम देते हैं समुद्रगुप्त का, समुद्रगुप्त के सिक्के पर समुद्रगुप्त को वीणा लिए दिखाया गया, इसका वीणा मतलब जिससे वो बजाता है, इससे सीधा सा तात्पर्य ये हुआ कि समुद्रगुप्त को वीणा वादन में बहुत ही महत्वपूर्ण रुचि थी, इसीलिए उसने ऐसा किया। दूसरा हम लोग चलते हैं मॉन्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो ये तीसरे प्रकार का एक स्रोत है, एक आर्कियोलॉजिकल स्रोत है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स कम फर्स्ट फ्रॉम द मौर्यन एम्पायर, अगर हम रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स की बात करते हैं, सबसे पहले जो है वो मौर्यन साम्राज्य में आया, और उस मौर्यन साम्राज्य में सबसे पहले केव ऑफ आजीवक एक सेक्ट था जिसकी एट बार्बर एंड नागार्जुन हिल्स इन बिहार, केव्स बारबक आजीवक संप्रदाय की जो एक गुफा है, उसमें आजीवक संप्रदाय के लोगों का पूजा पाठ करने का तरीका, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा की गई है। वो बारबर नागार्जुनी हिल्स जो कि बिहार में स्थित है, उसमें इसका वर्णन किया गया। इसके माध्यम से हम आजीवक संप्रदाय के बारे में विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त हम कुछ और मॉन्यूमेंट्स की बात करते हैं, जैसे जो बुद्धिस्ट में आते हैं, जैसे स्तूप, चैत, बिहार। तो ये तीन तरीके के मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि हमें बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। स्तूप क्या है? स्तूप वॉज सराउंडेड बाई ब्यूटिफुल डेकोरेटेड गेटवे तोरण, स्तूप एट सांची, भरूच, मध्य प्रदेश, अमरावती, कोल्हापुर एंड सनाती, कर्नाटक। तो स्तूप का मतलब ये है कि एक ऐसा प्लेस जो बौद्ध गौतम बुद्ध की याद में, गौतम बुद्ध के किसी न किसी चीज़ को लेकर के गौतम बुद्ध की याद में वहाँ पे बनाया गया है। ये एक तरह का मंदिर ही था जहाँ पे बौद्ध धर्म के लोग जा करके गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी इकट्ठे करते हैं। अगर हम स्तूप की बात करें तो स्तूप की जो संख्या है वो सबसे महत्वपूर्ण स्तूप है वो है सांची का स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश में है। इसके अतिरिक्त जो बहुत ही प्राचीन है, इसके अतिरिक्त जो अन्य स्तूप हैं, भरूच में स्तूप है, इसके लिए अमरावती मध्य आंध्र प्रदेश में स्तूप है, इसके लिए पौनी कोल्हापुरी में स्तूप है, सनाती कर्नाटक में स्तूप है, इस तरह से बहुत बड़े स्तूपों की जानकारी मिली। स्तूप और कुछ भी नहीं, स्तूप ऐसे प्लेस हैं जहाँ पर गौतम बुद्ध की याद के ऊपर एक कोई ना कोई याद को उस जमीन में रखा गया और उसके ऊपर एक छोटा सा गुंबदनुमा आकृति बनाई गई और जिसे एक सुंदर गेट के माध्यम से घेर दिया गया, उसे ही हम लोग स्तूप कहते हैं। और स्तूप की चर्चा हम लोग आगे जब डिस्कस करेंगे बुद्धिज्म के बारे में डिटेल से हम लोग करेंगे। दूसरा यह है चैत्य आर द बुद्धिस्ट चैपल अ टेम्पल अ बुद्धा वार वर्शिप। चैत्य एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर गौतम बुद्ध की पूजा की जाती थी।
उसे हम लोग चैत्य कहते हैं। चैत्य की भी संख्या बहुत बड़े स्तर पर मिलेगी। चैत्य के माध्यम से हम गौतम बुद्ध के बारे में, बुद्धास के जीवन के बारे में, बुद्धा के प्राचीन जीवन के बारे में इन्फॉर्मेशन हम लोग ले सकते हैं। इन चैत्य के बारे में भी डिस्कस हम लोग करेंगे जब हम लोग पहुँचेंगे बुद्धिस्ट के बारे में जब चर्चा करेंगे। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो बिहार। बिहार दैट इज़ अ प्लेस वेयर द बुद्धिस्ट मॉन्क लिव्ड, यानी कि बिहार एक ऐसा प्लेस था जहाँ पर जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, यानी जो गौतम, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे, वो रहते थे, उसे हम लोग विहार कहते थे। और उसी विहार में रह करके, एक तरह का हॉस्टल था, उसी विहार में रह करके गौतम बुद्ध अपने पूजा करते थे, गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त करते थे, मेडिटेशन करते थे। तो बिहारों की संख्या बहुत बड़ी है। बिहार के बारे में विस्तार से वर्णन हम लोग वहीं करेंगे। बिहार की भी संख्या अगर हम देखें तो कन्हेरी, नासिक और जुन्नार, ये दीज थ्री प्लेसेज वेयर द मेनी बिहार्स वर फाउंड। सो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मॉन्यूमेंट्स। हिंदू टेंपल, दूसरा मॉन्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो है हिंदू टेंपल। हिंदू टेंपल अगर हम नॉर्थ, हिंदू टेंपल दो प्रकार के टेंपल बनाए गए हैं, एक नॉर्थ इंडिया, एक साउथ इंडिया। दो प्रकार के टेंपल्स के डिज़ाइन के आधार पर दो प्रकार में मंदिरों को डिवाइड किया गया है, नॉर्थ टेंपल और साउथ टेंपल। तो अगर हम नॉर्थ टेंपल की बात करें तो नॉर्थ टेंपल जो मुख्यतः पाए गए हैं वो तिगवा, नचना, देवगढ़ी। टेंपल बनाने की सबसे पहले परंपरा जो थी वो गुप्ता पीरियड से शुरू हुई। गुप्ता पीरियड वॉज द फर्स्ट पीरियड फ्रॉम वेयर द टेंपल वॉज मेड, फर्स्ट एवर टेंपल वॉज मेड फ्रॉम द गुप्ता पीरियड। सबसे पहले गुप्ता पीरियड में टेंपल बनाने की शुरुआत हुई और एक उसी के बाद धीरे धीरे टेंपल और आने वाले समय में विकसित हुआ। तो नॉर्थ इंडिया में टेंपल के जो बनाने की जो कला विकसित हुई उसे हम लोग कहते हैं नागर स्टाइल, नागर स्टाइल टेंपल कहते हैं। और ये मुख्यतः तीन जगह हैं, तिगवा, नचना, देवगढ़। ये तीन मुख्य इंपॉर्टेंट टेंपल्स हैं जहाँ के माध्यम, जो गुप्ता पीरियड के टेंपल है जहाँ के माध्यम से हम गुप्ता पीरियड के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डिटेल में टेंपल्स के बारे में हम लोग जो टेंपल आर्किटेक्चर के वर्णन डिस्कस करेंगे तो वहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, यहाँ से हम किस तरह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं टेंपल के माध्यम से, हम टेंपल के माध्यम से उसका सोशल कर सकते हैं, उसका इकोनॉमिक कर सकते हैं, उसका पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, उसका साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो उसके बारे में हम लोग चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। अगर हम ये नागर स्टाइल में बना है, नागर स्टाइल होती क्या है, वॉस नेरो टू द टॉप, ये जो है वो नागर स्टाइल का टेंपल जो होता है वो इस तरह से होता है जिसमें इस तरह की चीज़ें बनती है। नागर स्टाइल का टेंपल है और ज़्यादातर टेंपल नॉर्थ इंडिया में देखेंगे वो नागर स्टाइल का टेंपल बनाया गया। उसके बाद में दक्कन एंड साउथ इंडिया की बात करते हैं। दक्कन एंड साउथ इंडिया में जो टेंपल बनाए गए हैं वो ज़्यादातर पत्थरों को काट के बनाए गए हैं, रॉक कट टेंपल्स वहाँ की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो उन्होंने जो चालुक्य, बादामी के चालुक्य थे, उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में रॉक टेंपल बनाए जो महत्वपूर्ण है। पटक्कल में है और एक ऐहोल में है, ये महत्वपूर्ण टेंपल बनाया गया है। इसके अतिरिक्त जो रॉक कट को बना, जो पत्थरों को काट के बनाया गया, इसके पल्लो के शासनकाल में रॉक कट टेंपल बहुत बड़ी मात्रा बनाया गया, जिसका विशेष उदाहरण हम लोग देखते हैं महाबलीपुरम। महाबलीपुरम के जो टेंपल्स हैं वो ज़्यादातर पत्थरों को काट के बनाए गए हैं और एक सिंगल पत्थर को काट के बनाए गए हैं, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो टेंपल्स हैं, ये टेंपल्स की जो शैली है, वो शैली जो है वो द्रविड़ स्टाइल शैली। और इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है कैलाश टेंपल ऑफ एलोरा राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाया गया कैलाश मंदिर है, जो कि जहाँ से हम लोग एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं उस पर्टिकुलर पीरियड में। द्रविड स्टाइल का जो टेंपल होता है उसमें कि शिखर स्टेप्स लाइक जो शिखर होते हैं वो द्रविड स्टाइल टेंपल में शिखर इस तरह के बनते हैं, स्टेप्स से बनते हैं और इस तरह का द्रविड स्टाइल टेंपल बनता है। हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग टेंपल आर्किटेक्चर के बारे में चर्चा करेंगे, अभी तो हम लोग केवल आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वर्णन कर रहे हैं ताकि क्या इसका डिस्क्रिप्शन, किस तरह से इसको यूज़ किया जा सकता है। उसके आगे हम लोग चलते हैं स्कल्पचर्स और पेंटिंग। स्कल्पचर्स और पेंटिंग अंदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट यक्ष ऑफ दीदारगंज मयूर स्कल्पचर्स। मौर्य डायनेस्टी में दीदारगंज यक्षी ऑफ दीदारगंज की मूर्ति बहुत ही फेमस है, जिसके माध्यम से हम मौर्य साम्राज्य में स्कल्पचर्स के बारे में, स्कल्पचर्स का योगदान क्या है उस पर्टिकुलर पीरियड के डिफाइन करने में, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम पेंटिंग्स की बात, सबसे पहली पेंटिंग जो मिली भारत में जिसके माध्यम से हम जानकारी प्राप्त कर सकते, दैट इज़ भीम बेटिका रॉक सेल्टर। सबसे पहली पेंटिंग्स मिली जहाँ के माध्यम से हम एंशियंट इंडिया के लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हमारे
प्राचीन भारत में प्रागैतिहासिक काल में यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड में हम उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड फेमस पेंटिंग जो कि बहुत फेमस है, जहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे अजंता एंड अलोरा। अजंता एंड अलोरा बहुत महत्वपूर्ण पेंटिंग है। ये ज़्यादातर यहाँ पर बुद्धिस्ट और बुद्धिस्ट सम पेंटिंग दैट रिलेटेड टू द बुद्धिस्ट एंड बुद्धिस्ट हिंदुज़म जैनिज़म। सो इसमें कई प्रकार की पेंटिंग्स हैं, जो ज़्यादातर पेंटिंग्स का काम इन पेंटिंग्स का काम जो है वो गुप्ता पीरियड में हुआ। इसके अतिरिक्त पेंटिंग्स ऑफ चोल किंग, चोल राज साम्राज्यों की पेंटिंग का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने तमिलनाडु में, जैसा कि पहले मैंने बताया है, तमिलनाडु में मंदिरों में, तंजौर के बृहदेश्वर का मंदिर है, वहाँ पे उनकी फ़ोटो यानी राजा की फ़ोटो जो है दीवार पे लगी है, जिसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि तमिल राजा जो है यानी चोल डायनेस्टी के राजा, वो कहीं ना कहीं राजत्व के सिद्धांत पर विश्वास करते थे, इसीलिए उन्होंने मंदिरों में अपनी पेंटिंग लगाई। सो फ्रेंड, दिस इज़ द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। ये पूरा का पूरा हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में डिस्कस किया। यदि आपको ये यूज़फुल लगता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल में कमेंट करिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगर आपको कोई किसी तरह की क्वेश्चन है, अगर आप कोई किसी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारा मेल आईडी नीचे दिया गया है, उस मेल आईडी पर आप क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम अगला जो हमारा टॉपिक होगा जिसको हम डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बाद, यानी सोर्सेज हमने पूरा कर लिया इन अपने चैनल के माध्यम से, हमने पूरा लिटरेरी सोर्सेज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में चर्चा करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।